नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के इस मेगा शो में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे पास एक कहानी है जो पूरे देश को सुननी चाहिए, जिनके नेतृत्व से जुड़ी हुई है देश की तकदीर। दुनिया कहती है भारत का कर्मवीर, जिनके पास बरसों पुरानी समस्याओं का हल है। लाहौल स्पीति के सबसे ऊंचे पहाड़ पर भी आज सरकारी नल है, जिनकी बदौलत करोड़ों घरों में उज्ज्वला की रौनक आई है। विरोधी भी मन ही मन कहते हैं वो हस्ती करिश्माई है, जिनके होने से करोड़ों की उम्मीद बढ़ती है। बड़ी बड़ी योजनाओं से छोटे घर की बेटी भी पढ़ती है। कश्मीर में आतंकवाद अब हर रोज हारता है। मोदी का नया भारत अब दुश्मन को घर में घुसकर मारता है। वही चेहरा चुनावी रण में बीजेपी का खेवक है। उनके समर्थक सिर उठाकर कहते हैं, देखो एक चाय बेचने वाला आज देश का प्रधान सेवक है। बताइए ये किसकी कहानी है, बता सकते हैं आप? जी हाँ, नरेंद्र मोदी की यह कहानी है। आज इस मंच पर पांच संपादक नहीं है बल्कि पांच भारतीय हैं। देश की पांच जानी मानी हस्तियां हैं, ऐसी हस्तियां जो नरेंद्र मोदी की शख्सियत से सीधे तौर पर प्रभावित हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। देश के जाने माने धर्मगुरु हैं परमार्थ निकेतन के आश्रम प्रमुख स्वामी चिदानंद, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। पूर्व राजदूत दीपक बोरा जी मेरे साथ हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इतिहास काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के डायरेक्टर डॉक्टर ओम जी उपाध्याय भी मेरे साथ मौजूद हैं, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और देश के जाने माने मुस्लिम स्कॉलर सैयद खालिद नकवी साहब उल हसैनी साहब भी हमारे साथ हैं, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सुधांशु जी, सवाल शुरुआत में आप ही से करूँगा। 3 दशक से ज़्यादा का आपका राजनीति में कार्य कर चुके हैं आप, आपने बहुत बड़े बड़े नेताओं को देखा है, अटल बिहारी वाजपेयी को देखा है, लाल कृष्ण आडवाणी को देखा है, कल्याण सिंह को देखा है, नरेंद्र मोदी में क्या देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी खासियत बताऊं क्या है, जब मोदी जी विदेश में गए और उनसे पूछा गया कि इतने वर्षों में आपने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, और आप अभी देखिए G20 शुरू होने से पहले आसियान समिट में जाते हैं मॉर्निंग में, और रात में लौट के आ जाते हैं जकार्ता से, और रात में आते ही G20 की समीक्षा बैठक करते हैं, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप देख रहे हैं कि वो सारे राष्ट्राध्यक्षों को जिस ढंग से रिसीव कर रहे हैं, और पूरे आपने 2 दिन तक जिस ढंग का देखा, तो उनसे पूछा आप इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, रोज 1 से 2 किलो गाली खाता हूं और उससे मुझे ऊर्जा मिलती है और पुनः देश की सेवा में लग जाता हूं। तो एक अंतर यह है कि वो भारत की राजनीति के एक ऐसे अनोखे नेता हैं जो लोकप्रियता के पैमानों में 75 वर्षों में सबसे लोकप्रिय, वो तो एक पक्ष है, मगर जिनको फूलों के हार से ज्यादा लोगों ने अंगारों के हार दिए, मगर उन अंगारों के हार को भी धारण करके नया इतिहास और नया विकास और नई संरचनाएं बनाने के लिए उन्होंने कार्य किया है। तो एक पंक्ति कहता हूं जो मोदी जी के लिए, कि अंगार हार उनका जिनकी सुन हांख समय रुक जाता है, आदेश जिधर कर देते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है। सुधांशु जी, लेकिन आलोचनाओं की बात करें तो अटल जी आडवाणी जी से लेकर के कल्याण सिंह तक आलोचनाएं तो उनको भी झेलनी पड़ी, फिर उनमें और नरेंद्र मोदी में अंतर क्या है? हाँ देखिए, बिल्कुल सही बात है, आलोचनाएं हुई, परंतु आप ये बताइए किसके लिए कहा गया, मत कोट अनकोट मर जा मोदी, बोटी बोटी काट डालेंगे, मौत के प्रकार जो शब्द कहने अच्छे नहीं लगते, हिटलर की मौत, कुत्ते की मौत, और जाने क्या क्या और क्या क्या अपशब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे लगता है इतने अपशब्दों के बाद भी अविचलित रह के भारत मां की सेवा में लगे रहना और विकास की उस ऊंचाई तक पहुंचना, क्या G20 कंट्रीज में हमारी ग्रोथ रेट 7.8% है, जो पूरी दुनिया की मेजर इकोनॉमीज में मैक्सिमम है। आज तक भारत के इतिहास में कभी वो दौर नहीं आया जब हम दुनिया की सारी मेजर इकोनॉमीज में नंबर 1 पे, और दूसरा 50 करोड़ लोग जनधन अकाउंट से जुड़े, तो वर्ल्ड का बिगेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी ग्रास रूट पर भी देश को सबसे ऊंचाई पर ले जाना और शिखर पर भी सबसे ऊंचाई पर ले जाना, और ये सब कुछ कब, दुनिया कुछ भी कहती रहे, जिसे एक पंक्ति और कह दूं, मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विष्पान किया है जी, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। यह मोदी जी के लिए बिल्कुल उपयुक्त
लगती है। सुधांशु जी, निर्माण तो उन्होंने बहुत सारे किए हैं और निर्माण उन्होंने बीजेपी पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना करके भी किया, लेकिन सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, अगर नरेंद्र मोदी अभी राजनीति में नहीं होते तो बीजेपी की स्थिति क्या होती? मान्यवर, जिस व्यक्ति ने अपनी किशोरावस्था में ही संपूर्ण जीवन समाज को देने का संकल्प लेकर जब वो प्रचारक बने थे, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, जिनके जीवन का लक्ष्य था स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आज का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, वो कैसे सोच सकते हैं आप कि वो नहीं होते? तो क्या होता जिसने अपनी समस्त मधुर मनोभावनाओं की आहुति दे दी देश के लिए? तो मेरे विचार से वो तो एकाकार होकर संगठन, पार्टी और राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं। स्वामी चिदानंद जी, आपसे बहुत गंभीर सवालों के साथ मैं आऊंगा, लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही है कि हिंदुत्व के उत्थान के लिए नरेंद्र मोदी का योगदान क्या? मुझे लगता है कि उनका खुद का जीवन भीतर से उस हिंदुत्व को, उस सनातन धर्म को जीता है, क्योंकि जिस धरती के शासक मन से संत नहीं होते हैं, उस धरती की पीड़ाओं के अंत नहीं होते हैं। वो शासक नहीं है, वो साधक है। व्यक्ति को दूसरों पर शासन नहीं करना है, बल्कि खुद पर शासन करके फिर एक अनुशासन कायम करना है, और वो देन है इस सनातन की, इस धर्म की, जो ये नहीं कहता कि दूसरों पे कंट्रोल करो, बल्कि अपने पर संयम करते हुए पूरे विश्व पर, उस संयम के प्रभाव से आप निश्चित रूपेण पूरे विश्व को जीत सकते हैं। निज पर शासन, फिर अनुशासन, और मैं देखता हूँ इतना ही नहीं, इसके माध्यम से भी अब एक योग करने वाला एक ऐसा योगी जब पहुँचता है पहली बार, मैंने तो उनको जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी, जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी, वे 14 दिन ऋषिकेश में आकर रुके, मैंने उनकी उस साधना को देखा है, कितने सिंपल, कितने सादे, व्हाट ए मैन। मुझे तो लगता है भारत का सौभाग्य है कि भारत के पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं। पहली बार जब वो अमेरिका पहुंचते हैं और यूनाइटेड नेशंस में जो उन्होंने पहला हिंदी में प्रवचन दिया, बोला योग को लेकर, वो अलग बात में आऊँगा, लेकिन उससे उसके तुरंत बाद उनका पहला जो उद्बोधन हुआ वो था मेडिसन स्क्वायर में। हजारों हजारों लोग थे, कई दिन पहले टिकटें ख़त्म हो गई, ये पहली बार था। मैं तो लगभग 50 साल से पूरे विश्व में जा रहा हूँ, 45 साल से पूरे अमेरिका को देखा है मैंने, रहा हूँ मैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष कहीं पर भी पूरे विश्व में ऐसा सम्मान नहीं हुआ जो मैंने वहाँ देखा। वो शुरुआत थी, लेकिन हुआ क्या वहाँ? हुआ ये, जैसे ही वे आए और राष्ट्रगान के लिए जो उन्होंने सबसे बड़ी बात की, अमेरिकन राष्ट्रगान भी हुआ, अमेरिकन सांसद थे, अमेरिकन बड़े बड़े अधिकारी थे, सब थे। जैसे ही भारत का राष्ट्रगान हुआ, उसका जो गौरवमय क्षण हुआ, सबकी आंखों में आंसू थे, मुंह से शब्द निकल रहे थे लेकिन आंखों में आंसू थे, लोग उस भाव से भर गए। लेकिन द मोमेंट आई केम आउट, द मीडिया आस्क मी फर्स्ट थिंग, ही सेड कैन यू एक्सप्लेन इन वन लाइन व्हाट हैपेंड टुडे। मैंने कहा टू मी इन वन लाइन आई शुड से इंडिया हैपन टुडे, मेडिसन स्क्वायर बिकेम ए मेडिसन स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने जिस प्रभाव के साथ भारत को रखा, खुद को नहीं रखा, भारत को रखा, भारतीय संस्कृति को रखा, उसके एक दिन पहले योग को रखा, ये उसी का प्रभाव है मैं समझता हूँ, जिसको वो खुद जीते हैं। धर्म केवल मंदिरों और मस्जिदों में और चर्चों में केवल पूजा करने के लिए नहीं, धर्म जीवन का एक ऐसा अंग है जिसको उन्होंने जिया।